हाय हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं सुपौल के वार्ड नंबर 23 में, एक बाबूगाछी गांव है जहाँ मस्जिद का आज न्यू लिया जाएगा। मस्जिद का नाम है मक्की मस्जिद। आज हम जाएंगे मक्की मस्जिद और आपको दिखाएंगे। गैर मुकद्दा को छोड़ दिया, जैसे कि हम लोग सुनने पहुंच चुके हैं। कुछ ही देरों में जो है इसका न्यू लिया जाएगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं, बाहर से मेहमान भी आ चुके हैं। इसका जो न्यू किया जा रहा है आज, और इसका फर्स्ट जाली जो बन के तैयार हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। मिस्त्री साहब, कितना बाय कितना का ये जाली बन रहा है? 5 फुट बाय 5 फुट का है। 5 फुट बाय 5 फुट का है। अच्छा, इस सरिया जो है 16 mm का लगा हुआ है ना? कितना सरिया है इसमें? 8 गो है। 8 गो है। जाली तो रिंग कितना का है? रिंग 8 डाया का है। 8 डाया का है। अच्छा, जाली में सरिया कितना का पड़ा है? जाली में जो है नीचे बॉटम में 12 डाया का है। हाँ, बोथ साइड जी। और टॉप में जो है 10 mm का है। अच्छा, टॉप में 10 mm का है। हाँ। अच्छा, इस पे कितना मंजिल तक जा सकता है? 5 मंजिल तक। 5 मंजिल तक। हाँ। चलिए ठीक है, तो बाहर का जो भी देख लीजिए, मेहमान सब भी आ चुके हैं। कितना बहुत सारे आए और गए हैं, और कुछ देर है, कुछ वक्त और लगेगा जब ये इसमें मसाला बन के गिराया जाएगा। तो उस समय भी आपको बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे उस आगे भी। तो हमारे वीडियो का पूरा देखिएगा। ये काफ़ी धूप में, तेज धूप में ये काम कर रहे हैं। अगर कोई डोनेट करना अगर चाहेंगे तो हम मस्जिद का एक समझ लीजिए अकाउंट है, वो हम आप इसमें लगा देंगे। अगर आप लोग कोई डोनेट कीजिएगा तो डोनेट कर सकते हैं, आप हिस्सा ले सकते हैं और सवाब हासिल कर सकते हैं। और आना अगर चाहेंगे तो आप यहाँ आकर भी हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आपको जो है ये पहले बता, यह मस्जिद जो है सुपौल के वार्ड नंबर 23 बाबूगाछी मैरचा रोड में बन रहा है। आज मक्की मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो आज 24 तारीख बरोज इतवार के दिन इसका फर्स्ट कॉलम खड़ा होगा। और समझिए कि आज 24 तारीख है, आज इसका कॉलम खड़ा हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका काम चल रहा है तेजी से। तो आप लोग जितनी ज़्यादा तादाद में हिस्सा लीजिएगा, उतना जल्दी यह काम तैयार होगा। और अगर बदकिस्मती से कोई बेनमाज किया तो आगे हम और कुछ दिखाएंगे गाइज। तो गाइज, अब कुछ ही देरों में बस न्यू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं। चलिए, अब सस्ता हो गया। 2500 वाले, 5100 से 2500 हो गया। 2500 वाले, 2500 में तो नौजवानों को सबको आ जाना चाहिए। फैसल ले, अरे सब नौजवान कूद जाओ, ये मौका है। कभी सारे नौजवानों को आ जाना चाहिए। 2500 लिखिए, नाम बताइए भाई। 2500 टका में सब नौजवान। अब्दुल जब्बार से लिखिए, नौजवानों का सबको आ जाना चाहिए। 2500 रुपया, ठीक है, माल बीच में गिरे, एक जेबी गिरे। 2500 रुपया में एक नौजवान आया, क्या नाम था इसका? पापा के नाम से लिखा है, अब्दुल जब्बार। पापा के नाम से किसका लड़का है? अब्दुल जब्बार का बेटा हुआ ये। अच्छा अच्छा, अल्लाह कबूल फरमाए, बहुत बड़ी बात, बड़ा नेक बच्चा, अल्लाह हर एक को नसीब फरमाए। इमाम साहब का नाम लिखिए 2500 में। इमाम साहब 2500 रुपए। आइए, माशाल्लाह, इमाम साहब भी तैयार हो गए। 2500 रुपया एक तगारी। कौन है ये? इमाम साहब का अलग हो गया, और ये सिक्रेटरी साहब मस्जिद का। 2500 रुपया अल्लाह ताला एक तगारी। इमाम साहब वाला अल्लाह कबूल फरमाए। लिखते जाइए, सिक्रेटरी साहब का और इमाम साहब का। हाँ आइए, इमाम साहब भी डाले 2500 रुपया वाले। 2500 रुपया एक तगारी डालिए संगे बुनियाद में। नौजवान सभी आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए नौजवान। हमारे दारू भाई आ रहे थे, किधर चले गए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। 1100 रुपया। चलिए डालिए, 1100। आइए, वो तगारी डालिए।
पकड़ दीजिए थोड़ा हाथ लगा फिर आ गया यहाँ ये जैसा कहते वैसा कीजिए अभी हम उस्ताद हैं हाथ लगा दीजिए हल्का सा हाथ लगाइए अल्लाह कबूल फरमाए चलो भाई अभी 1100 रुपया डाल दिया 1100 गया 1100 चलो है कोई नौजवान डालने वाला आगे जाइए और आगे चलिए 1100 मोहम्मद आला अंसारी मोहम्मद रहमान साहब 1100 मोहम्मद रहमान साहब 1100 रहमान साहब 1100 वहाँ कसूरवार हैं अल्लाह कसूरवार हैं गुनहगार हैं महज बहाना ढूंढ रहे हैं अल्लाह महज बहाना ढूंढ रहे हैं और तू भी अपने बंदों को बहाना लगा लगा करके बख्शिश करता है अल्लाह उसकी डिग्री को सवार देता है अल्लाह उसके काम को बना देता है उनकी रुकावटों को दूर फरमा देता है। न्यू वीडियो में तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को ठीक है।